हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स में। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय प्रजापति और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसका मैथमेटिक्स का पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो, जिससे सभी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, देखिए ए की पावर 1/x बराबर है बी की पावर 1/y के, बी की पावर 1/y बराबर है सी की पावर 1/z के। तो हमारे पास v² = ac दे रखा है, तो हमें क्या बताना है, x + z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस 2020 के मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, पार्ट 3 है ये। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसका सोल्यूशन किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे हम करेंगे। ये कंडीशन हम इसके बराबर क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ए की पावर 1/x बराबर बी की पावर 1/y = c की पावर 1/z, हम बराबर इसके के मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए की पावर हमारे पास क्या है 1/x, अगर मैं इसका क्या कर दूं, 1/x से गुणा कर दूं, 1/x की इसकी पावर लगा दूं, तो यहाँ भी 1/x हो जाएगा। इस x से इस x को हम काट देंगे यहाँ से, तो ए बराबर हमारे पास मिल जाएगा k की पावर x। इसी प्रकार से मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो हमारे पास b की पावर मिल जाएगी k की पावर b = k की पावर y। इसी प्रकार से c बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा k की पावर z। समझ में आ रहा है, कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है v² = ac। अब v की वैल्यू क्या है, इधर देख लीजिए, v की वैल्यू ये उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी, k की पावर y इसका स्क्वायर है बराबर k की पावर a × c। a बराबर हमारा क्या है, k की पावर x, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, और क्या है c बराबर क्या है, k की पावर z। तो इस तरीके से गुणा में घाते क्या होती हैं डियर स्टूडेंट, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। अब आप इसको क्या करोगे, गुणा में घाते जोड़ दोगे x + z, और ये हो जाएगा आपका 2y। इस तरीके से मैंने इसकी तुलना करा दी, तुलना कराने के पश्चात आपका जो आंसर आ जाएगा x + z = 2y। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पर ए को लगा सकते हो डियर स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से आया हुआ था और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कॉट है, कॉट थीटा को मैं 1/10 θ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइए, कर सकता हूँ ना। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 θ, थीटा के स्थान पे क्या है 45° + θ। इसी प्रकार से मैंने कर दिया 1/10 45 θ। अब देखिए यह आपका सूत्र बन गया tan a + b का और tan a - b का। देखिए इसमें किस तरीके से हम लगाएंगे, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b / 1 - tan a × tan b, ये -12 होता है। इधर देख लीजिए, इधर के लिए tan a - tan b / 1 + tan a × tan b, ये माइनस का हो गया, ए प्लस का हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं जो tan 45 की वैल्यू होता है ना, वो कितना होता है, आप बोलोगे 1 होता है सर, तो 1 को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इस तरीके से, यहाँ पर देख लेना 1/1 + tan θ / 1 - tan θ, ये घोड़े में रहेगा 1/1 - tan θ / 1 + tan θ, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सारी वैल्यू हमारे पास 1 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, ये प्रमेय के साथ साथ इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस पर भी देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है DE, हमारे पास DE की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे DE की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और BC की वैल्यू कितना है, ये BC
ये आपका वी हो गया, बी सी की वैल्यू कितना है 4। तो हमें भुजा किसकी वैल्यू है, हमें भुजा है ए डी वटा में क्या बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो एक रूल होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए रूल क्या होता है, यानी कि जो भुजा जे वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर होगा और हमारा ये वाला भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। तो ये वाला भुजा हमारा कितना है 1, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 1 और बटे में ए डी, यानी कि जो ए डी है सॉरी बी सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा आपके किसके डी ई के। तो इस तरीके से हमारा 1/4 यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता देना। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं जी, हमारे निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया गया है। ये आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, मतलब वृत्त के व्यास के निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं -2 और 10 और 12 और -4 हों, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे क्या हो सकते हैं, केंद्र के निर्देशांक आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हर साल निर्देशांक से क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस में आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करोगे आप इसे। देखिए स्टूडेंट किस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ के लिए। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, इसको आप मानोगे x1, इसको मानोगे y1, इसको मानोगे x2, इसको मानोगे y2। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें इसके निर्देशांक बूझे, तो सबसे पहले हमें x के लिए निकालेंगे, तो x बराबर फार्मूला लगाओगे आप लोग क्या x1 प्लस x2 और बटे में क्या लगाओगे 2। अब मान लीजिए यहाँ पर दो कंडीशन हमने यहाँ पर दी है x1 y1, अब मान लो वो z वाली कंडीशन दे देता तो आप यहाँ पर क्या लगा देते x3, इस तरीके से लगाओगे। मतलब जिसमें हमारा ये टू डायमेंशन के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो हमारा कभी कभी थ्री डायमेंशन का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें x y z तीनों डायमेंशंस होती हैं, तो उस वाले फार्मूले में हम क्या करते हैं x1 x2 और x3 और बटे में क्या लगा देते हैं 3, क्योंकि हम इसका क्या निकाल रहे हैं औसत निकाल रहे हैं x1 x2 x3 बटे में 3। ठीक है, तो हम इस तरीके से लगा देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू -2 और ये आपका 12 और बटे में 2, तो इस तरीके से आपका बचेगा 10 10/2 मतलब 5। तो यहाँ से हमारा 5 निकल, देखते हैं 5 कौन से में है, ऑप्शन ए में ही फंस रहा है। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2 / 2, तो y1 की वैल्यू कितना है 10 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 और बटे में क्या रहेगा आपका 2, तो इस तरीके से 6 बचेगा, 6 को डिवाइड करोगे आप लोग 2 से, 6/2, तो इस तरीके से यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो रहा है। समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, थ्री डायमेंशन भी आ सकता है, टू डायमेंशन भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन tan 15 का वैल्यू भुजा है, और इस तरीके के क्वेश्चन sin 15 का वैल्यू भुजा है, और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं, tan 15 भी आपसे पूछ सकता है वो, है ना, cot 15 भी पूछ सकता है, 75 भी पूछ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखिए sin 15 को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन किया है, देखिए sin 15 के लिए मैं लिख सकता हूँ sin 45 माइनस 30, और 45 में से जब 30 को घटाओगे तो 15 ही पाओगे, है ना। तो यहाँ पर sin a माइनस sin b का फॉर्मूला पुट कर दोगे, कुछ नहीं है, sin a, ठीक है डियर स्टूडेंट, इंटू cos v माइनस cos a इंटू sin v, इस तरीके से। अब आप इसमें मान लगा लेंगे, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और यह cos 30 की वैल्यू कितना होता है 3/√2, माइनस cos 45 की वैल्यू होता है 1/√2 इंटू sin 30 की वैल्यू होता है 1/2। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ डियर स्टूडेंट, देख लेना यहाँ पर, देखिए ये √3 है, √3/√2 और -1/√2। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये समान इसका एलसीएम हो जाएगा, तो इसको हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर बचेगा √3 - 1/√2। इस तरीके से ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, आप इसको पुट कर सकते हो डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से आया हुआ था।
अगला जो क्वेश्चन आया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इजी लेवल का है, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस पेपर आया था उसमें मैथ्स के क्वेश्चन कुछ इजी थे, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ दे दिए थे उन्होंने। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन कुछ इजी थे, तो इजी क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, इजी हो टफ हो आपको सब अटैम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या में उस संख्या का एक चौथाई जोड़ दिया जाए तो संख्या 75 प्राप्त होता है, तो हमें संख्या की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से निकालोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार मैंने इसको सॉल्व किया है। माना कोई संख्या एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स का 1/4 मैंने यहाँ पर लिख के सॉल्व किया है, इस तरीके से हो जाएगा 4, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 × 4 = 5/4, इस तरीके से 5 हो जाएगा, ये 75 × 4 हो जाएगा, इस तरीके से 5/5 रहेगा आपका, सॉरी 5x = 75 × 4, तो 15×5 = 75 होता है, तो x की जो वैल्यू होगी ना वो 15×4 हो जाएगी, 15 × 4 कितना हो गया 60, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 60 हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है डियर स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ ए वाला विकल्प हो जाएगा राइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं साहब, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आया है समबाहु त्रिभुज से, और समबाहु त्रिभुज से हर साल क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो होता है यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो जाते हैं, 8 नंबर यहाँ से हर साल आता है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कराने वाला हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो को लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है समबाहु त्रिभुज से, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, √3/4 × a² मतलब भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये देखिए 25√3, तो इस तरीके से मैं इसमें क्या करूँगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × a² = 25√3। अब देखिए √3 से √3 यहाँ कट रहा है, तो इस तरीके से मैंने इसको काट दिया, और ये हमारे 1/4 × a² बचा, तो 1/4 को मैं उधर कर दूंगा, तो 25 × 4 यानी कि 100 हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका a√√ के अंदर 100 हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 10, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ गया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इसका परिमाप, देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, आप चाहो तो 10 + 10 + 10 तीनों भुजाओं को जोड़ सकते हो तो भी आपका 30 आएगा। चाहे तो आप फार्मूला याद कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मैंने होता है √3/4 × a, इस तरीके से मैंने यहाँ पर a√ मैंने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके 10 निकाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक मिनट, देखिए साहब तो हम क्या होता है इसका परिमाप हमें बताना है, तो परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, बट आप यहाँ क्या कर सकते हो 3 × a भी कर सकते हो। ठीक है, 3 × a, अब देखिए 3 मतलब 3 और a की वैल्यू 10 है, 10 × 3 कितना हो गया 30, तो इसका जो परिमाप होगा वो 30 निकल के आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आया हुआ है। ये दो क्वेश्चन आए थे पिछले साल समबाहु त्रिभुज से, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है, देखिए बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पर नंबर चेंज कर दिया है और वही क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलिए। तो आप इसे कैसे करोगे मैंने आप लोग बता दिया है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सीख गए हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, इस वाले क्वेश्चन का अगर आप लोग सीख गए इस वाले क्वेश्चन के लिए इसका आंसर कमेंट करके बता देना, और फिर भी आपको नहीं आ रहा है फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कैसे होता है, ये हमारे पास क्या है इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, क्षेत्रफल के मैंने फार्मूला बताया था √3/4 × a² = होता है, तो √3 से √3 कट जाएगा, समझ में आ रहा है, तो a² कितना हो जाएगा आपके पास 4 × 16, √ के अंदर 16 निकल के आ गया a², तो a की वैल्यू कितना आगे निकल के 4 निकल के आ गई, और हमसे पूछा गया इसका परिमाप क्या होता है 3 × a, तो 3 × a की वैल्यू 4 आई है, तो 3 × 4 कितना हो गया 12, तो इस तरीके से यहाँ पर
12 निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके से यहाँ पर 12 निकल के आ जाएगा। कैसे आया समझ में, आया नहीं आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था, ये इस तरीके भी क्वेश्चन आ जाते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स दी। यदि वृत्त का क्षेत्रफल हमारा दे रखा है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। केंद्र से मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है इस तरीके से, और यहाँ पर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, और यहाँ पर जो दूरी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमारे वृत्त का केंद्र से जो दूरी है वो कितना है 6, और हमारा क्या है यहाँ पर हमारा आर की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। देखिए तो हम जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाओगे, पाई से पाई नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 बचेगा, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ से हमारा 10 निकल के आ जाएगा। और केंद्र से जो दूरी है वो कितना है 6, तो केंद्र से दूरी 6 और हमारा जो आर आया है 10, तो आर प्लस 6 इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितना है 10 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 16। तो इस तरीके से यहाँ पर 16 वाला विकल्प हो जाएगा राइट। देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर हो रहा है राइट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करना तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 16 वाला हो जाएगा राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल एग्जाम अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।